जैसे जैसे वो बोला जिस पार्ट से वो उसको साफ करते जा रहे हैं वहाँ पे ऐसे बिल्कुल मिरर लाइक रिफ्लेक्शन लाइक जो है वो आपको नजर आना शुरू होगा। पूरा जो बोनट है वो कोई शीशा नहीं है, उनकी गाड़ी का बोनट है, लेकिन वो मिरर लाइक जो है वो लुक दे रहा है। आप लोगों का बड़ा अच्छा एक पॉइंट में देख रहा था कि उसमें जहाँ पर घर पर आपका ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पर आप सर्विस बहुत जल्दी कर रहे हैं, जल्दी हो जाती है, उसमें बहुत फ़ायदा है, बड़ा ज़बरदस्त है। फीनिक्स लाया आपके लिए अपनी नई अपडेट सर्विस फीनिक्स 2.0। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साजिद मलिक और आपको मैं वेलकम कर रहा हूँ फीनिक्स 24/7 सेंटर में, जिसको हम लोग कहते हैं फीनिक्स 2.0। अभी सुबह के सिर्फ 10 बजे हुए तो बहुत ज़्यादा गाड़ी यहाँ पे जनरल सर्विस हो रही है, सिरामिक में हो रही है, आपको वो भी दिखाते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आज इस गाड़ी पे हम लोग फोकस करेंगे वो ये वाली गाड़ी है। ये है करोला ग्रैंडी है और इसको आज हमारी टीम जो है, जो फीनिक्स की टीम है, इसको करेगी सिरामिक कोटिंग। तो आज इसका प्रोसेस हम लोग आपको दिखाएंगे, तो चलते हैं गाड़ी की तरफ, आपको दिखाते हैं गाड़ी के साथ क्या हो रहा है और इस गाड़ी की सिरामिक कोटिंग का प्रोसेस कैसे होगा। तो इस वक्त जिस गाड़ी का बाहर से सिरामिक कोटिंग का प्रोसेस हो रहा है, बेसिकली इस बाहर से कंपाउंड हो रहा है, उस गाड़ी की आपको इंटरनल कंडीशन दिखाते हैं कि अंदर से हमारे वॉरियर ने हमारे आने से पहले ही गाड़ी को अंदर से सारा क्लीन कर दिया है, अंदर से इसकी जनरल सर्विस कंप्लीट कर दी है। अब आई एम नॉट श्योर आपको शायद इतनी डेप्थ में नज़र आ रहा होगा, लेकिन सारी पॉलिश लग चुकी हुई है, इट इज़ वेरी शाइनी, वेरी ग्लॉसी, इतने पास से शायद कोई लोगो जो है आपको साफ नज़र भी ना आए, लेकिन बहुत ज़्यादा साफ है गाड़ी अंदर से। इन्होंने गाड़ी में जो है वो फ्लोर मैटिंग करवाई हुई है सारी, इसको 4D 3D पता नहीं कुछ कहते हैं। तो गाड़ी जो है इंटरनली बहुत ज़्यादा साफ वैसे भी थी, लेकिन हमारे वॉरियर ने इसको सारा शाइनिंग ग्लॉसी कर दिया है, एज एन अप्लाइड फॉर कंडीशन में अंदर से गाड़ी जो है वो सारी क्लीन कर दी है। ये हमारा जी गियर बॉक्स एरिया है, दिस इज़ वेरी शाइनी, वेरी ग्लॉसी। और जो आप ये वाले चीज़ें देख रहे होते हैं सर, ये दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा बंद होता है, ये देखा ये पॉलिश लगी हुई थी तो मेरी ये फिंगर से ख़राब हो गई है, हमारा वॉरियर जो है दोबारा आके इसको ठीक करेगा। तो ये कंसोल एरिया है, आर्म रेस्ट एरिया है, स्टीयरिंग एरिया, इट इज़ वेरी क्लीन। तो ये गाड़ी जो है इंटरनली सारी क्लीन हो चुकी हुई है। ये गाड़ी के दरवाजे हैं, ये भी हमारे वॉरियर ने APC रस्ट रिमूविंग केमिकल्स और शाइनर और पॉलिश लगा के सारी गाड़ी जो है इंटरनली सारी क्लीन कर दी हुई है। और मेन प्रोसेस जो है वो बाहर से हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे वॉरियर बाहर से गाड़ी पे कंपाउंड कर रहे हैं, और अब आपको दिखाते हैं कि बाहर प्रोसेस क्या हो रहा है। तो इस वक्त जो हमारे वॉरियर हैं वो गाड़ी से बाहर पे कंपाउंड का प्रोसेस कर रहे हैं, और बाहर से इस साइड पे कंपाउंड भी हो रहा है, और दूसरे जो हमारे वॉरियर हैं वहाँ पे भी कंपाउंड का उसका प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। तो एट अ टाइम दो वॉरियर जो है वो गाड़ी पे कंपाउंड का प्रोसेस कर रहे हैं। कंपाउंड से होगा ये कि आपकी गाड़ी में जितने भी माइनर स्क्रैचेज होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो इस वक्त हम लोग वेटिंग एरिया में मौजूद हैं, यहाँ पे जो हमारे बाकी क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। एक हमें क्लाइंट यहाँ पे मिले हैं जिनकी बाहर जो है वो गाड़ी जो है इस वक्त कंपाउंड हो रही है, तो उनसे इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा गुजर रहा है और वो सेटिस्फाइड है कि नहीं हमारी सर्विस। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम हुआ है मैं उससे सेटिस्फाई हूँ काफ़ी, ठीक है, माशाल्लाह प्रोफेशनल लोग लग रहे हैं, ट्रेन है, वेल ट्रेन है और अच्छे तरीके से काम हो रहा है। तो गाड़ी की जैसे जब एंड होता है तो फिर देखेंगे एंड रिजल्ट। आपकी गाड़ी क्या जनरल सर्विस हो रही है? जी जनरल सर्विस हो रही है। तो पहली दफा करवा रहे हैं? फर्स्ट टाइम मैं करवा रहा हूँ। अब ये बताइए वेटिंग एरिया में आपको खाना पीना सुकून, ये सबसे अच्छा एरिया जो हम लोग कहते हैं कि यार रिलैक्स करें हमारा कस्टमर, ये ठीक लगा? हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह काफी बेहतर है, सिटिंग अरेंजमेंट है, एसी वगैरह लगा हुआ है। अच्छा, बाकी आप लोगों ने जो सर्विंग अच्छी कर रहे हैं, चाय पानी भी है ऑफर। चलो बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ मसूद भाई हैं और इनकी भी हमारी जो गाड़ी है उसकी भी जनरल सर्विस हो रही है। मसूद भाई से पूछते हैं उनका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे बड़ा मसला ये था मेरा कि मैं चाहता था कि कोई वर्कशॉप फिजिकल विजिट करके जो है ना वो मैं अपना तो ये जो है ना अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी लगी, इसलिए फिर मैंने फ़ौरन बुकिंग। बिल्कुल ऐसे पॉजिटिव रिव्यूज़ है इसकी वजह से जो है ना फिर मैं यहाँ पर। तो इस वक्त जो है कंपाउंड का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था गाड़ी पे, उसके बाद हमारे वॉरियर्स ने इस पर शावर किया है, शावर के बाद इस पर शैम्पू हो रहा है, और आप लोग देख सकते हैं कि एट अ टाइम हमारे तीन वॉरियर्स जो हैं वो शैम्पू जो है अप्लाई कर रहे हैं। शैम्पू अप्लाई करने से होगा ये कि कंपाउंड के बाद जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, जो हार्ड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको ज़रा यू नो जान से साफ करना पड़ता है। तो एट अ टाइम हमारे तीन वॉरियर्स एक गाड़ी पर है, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और शैम्पू वाला प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। इस प्रोसेस के बाद सिरामिक कोटिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा।
तो सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल प्रोसेस है जिसके लिए हमारी गाड़ी जहाँ पे आई थी सिरामिक कोटिंग का, वो हमारे वॉरियर ने करना शुरू कर दिया। इस वक्त जो हमारे वॉरियर है उन्होंने एप्लीकेटर पे सिरामिक कोट का जो सोल्यूशन है वो अप्लाई करके गाड़ी के बोनट पे लगाना शुरू कर दिया। आपको करीब से दिखाते हैं कि जैसे जैसे उन्होंने वहाँ पे जो सोल्यूशन है वो अप्लाई करना शुरू किया हुआ है, ये अब आपको एक लेयर नज़र आ रही होगी, ये लेयर उसके ऊपर आने शुरू होगी। कुछ देर के लिए लेयर जो है ये ड्राई होगी, ड्राई होने के बाद हमारे वॉरियर जो है वो इस लेयर को उसके ऊपर माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगाएंगे और ये इसके अंदर से इस लेयर को उठाना शुरू कर देंगे और रिजल्ट जो आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। अभी जो आप लोग नज़र आ रहा है आपको रिफ्लेक्शन, ये सिर्फ कंपाउंड का रिफ्लेक्शन है और इसके ऊपर जो है एक हल्की सी लेयर आई हुई है सिरामिक की। अभी आपको इसको क्लीन करके तो दोबारा दिखाता हूं। तो अब जो हमारे वॉरियर हैं उन्होंने जो सिरामिक कोटिंग का इस पर जो हम लोगों ने लगाया हुआ था लिक्विड या फिर सोल्यूशन उसको उन्होंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको वो एडजस्ट कर रहे हैं और पेंट करेक्ट हो रहा है। अब आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे जैसे वो बोला जिस पार्ट से वो उसको साफ़ करते जा रहे हैं वहाँ पर ऐसे बिल्कुल मिरर लाइक रिफ्लेक्शन लाइक जो है वो आपको नज़र आना शुरू होगा और ये लेयर आपको वैक्स टाइप लेयर जो है वो उतरनी शुरू होगी भी है और वहाँ पर पूरा जो बोनट है वो कोई शीशा नहीं है, उनकी गाड़ी का बोनट है लेकिन वो मिरर लाइक जो है वो लुक दे रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ रिजवान भाई मौजूद हैं। रिजवान भाई जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा पुराने कस्टमर हैं, बहुत लॉयल कस्टमर हैं, तो आज ये फीनिक्स पे दोबारा आए हैं अपनी गाड़ी करवाने, तो इनसे रिव्यू लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये फीनिक्स 24/7 सेंटर में आए हैं और यहाँ पर इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि इससे पहले ये घर में गाड़ी की सर्विस कराते थे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। पहले तो हमारी ऑडियंस को ये क्लियर करें कि आप हमसे पहले घर में गाड़ी की सर्विस करवाते थे, तो अब हम लोग ये सेंटर खोला है इसमें और घर में गाड़ी में करवाने में क्या फ़र्क है? उस पर बेसिकली तो एक फैसिलिटी डिफरेंस होता है। घर पे ज़ाहरी बात है वहाँ पर आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर है वो उसको करने के लिए हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं होती, जैसा मेरे पास भी ज़रा शेड में दिक्कत होती है वहाँ करने में। इधर एक तो प्रॉपरली बिल्ड पर्पस बिल्ट एरिया है फॉर दी क्लीनिंग, वॉशिंग बे है, क्लीनिंग है और सारा एक सिस्टमेटिकली गाड़ी होती है और ज़्यादा सर्विस है जो है वो बेहतर तरीके से हो रही है। तो ये था आज का हमारा फीनिक्स 24/7 सेंटर का विजिट, जहाँ पे हमारे सारे वॉरियर्स हमारी सारी गाड़ियों को एट अ टाइम पे जनरल सर्विस भी दे रहे थे और सिरामिक कोटिंग भी कर रहे थे। पर्टिकुलरली आज हमने मेन फोकस जो रखा हुआ था वीडियो में वो हमने इस गाड़ी पे रखा हुआ था क्योंकि इसकी सिरामिक कोटिंग का प्रोसेस हमने दिखाया आपको। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, आप लोग रिव्यू से खुश हुए, हमारे कस्टमर्स के रिव्यू से खुश हुए, आप लोग हमारी सर्विस से खुश हुए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से फ़ोन उठाए, कॉल मिलाए और फीनिक्स 24/7 सेंटर आए क्योंकि ये 24 घंटे खुला है आपको सर्विस देने के लिए। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।